स्वच्छता ही सेवा 2018 के तहत रांची में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि मुदाय स्वच्छता सिर्फ सरकारी स्तर पर हो रहे प्रयास से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए सभी को संकल्प लेने की जरूरत है। देश का नागरिक होने के नाते सभी का स्वच्छता के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है, तभी हम स्वच्छता को सही मायने में धरातल पर उतार सकेंगे। शहरी विकास मंत्रालय ने उस समय प्रधानमंत्री ने बताया, मुझे याद आ रहे, प्रधानमंत्री ने कहा वेंकैया जी इसको सरकारी कार्यक्रम का रूप नहीं देना और इसको राजनीतिक कार्यक्रम का रूप नहीं देना। मुझे मन में बड़ा आश्चर्य हो गया, राजनीति में सरकार ने तो है क्या, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत कहा इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण पेयजल पाइपलाइन का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मौके पर ऐलान किया कि 2 अक्टूबर तक झारखंड पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2018 को हम स्वच्छ झारखंड, हम महात्मा गांधी जी का जो सपना है वो सपना 2018 को ही पूर्ण करें। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता अभियान में झारखंड की महिलाओं के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की महिला शक्ति ने स्वच्छता अभियान में एक मिसाल पेश की है। उन्होंने बताया कि पहले झारखंड के सिर्फ 16% इलाके ODF थे, लेकिन पिछले 3 साल के भीतर 96% झारखंड खुले में शौच से मुक्त हो गया है। अन्य राज्यों की तरह झारखंड सरकार भी खुले में शौच से मुक्ति को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसे लेकर अभी कई सवाल बाकी हैं। अभी खूंटी, साहेबगंज, धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम को ODF घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, APN।